नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं आपको गैन स्क्वायर ऑफ 144 का जो हमारा कैलकुलेटर का नया एडिशन है वो आपको दिखा रहा हूँ और उसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको एक पुट लेना है और कॉल लेना है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्राइडे के हिसाब से। फ्राइडे के हिसाब से क्या है, हमारा शुरुआत जो है 21,700 के आसपास हुआ था, तो मैंने 21,600 वाला कॉल लिया है एंड 21,800 वाला पुट लिया है, तो दोनों हमने ले लिया है। तो अभी क्या करना है, देखिए मिनिमम इसको यूज करने के लिए मुझे 5 मिनट का टाइम तो चाहिए। ये हाई लो बनाना है तो 5 मिनट का समय तो हमको चाहिए। मैंने अभी क्या मार्क किया है, यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो दोनों को मार्क किया है। ये 5 मिनट का जो हाई है और लो है, ये 21,000 कॉल का यहाँ पर है एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, मैंने वो यहाँ पर LTP में डाल दिया है। और उसके बाद ये 21,800 वाला पुट है, उसका हाई लो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद एंड ऑफ द डे 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से कहाँ पर LTP आया है वो यहाँ पर बता दिया है। तो इसके हिसाब से पहले 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर हमारे लिए कॉल बाई करने का इशारा है, बट आपको इसको समझना है कि कैसे यूज करना है। देखिए ये क्या है, ये अलग अलग पड़ाव है और उसमें से अभी क्या है, हम ये पहले पड़ाव में रहेंगे। ये जो पहला पड़ाव है, कॉल बाई करने की बात आई है, तो कॉल बाई करने की बात आई है तो आप कहाँ पर बाई कर सकते हो। देखो अगर 206 सस्टेन कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्चुअली वहां पर बाई कर सकते हो। अगर उससे नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर चला जाए या इसके नीचे भी चला जाए। हमारे लिए क्या है, जब तक हम 196 के ऊपर है तब तक हमारे लिए बाइंग है, तो यहाँ पर बाइंग डेफिनेटली है। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 217 जो अभी के लिए लेवल है वो एक पड़ाव है, और यहाँ पर इस पड़ाव के ऊपर अगर हमको एक्सपेक्ट करना है तो 219 को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। 219 को सस्टेन नहीं कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है ये एक बार ये डिप करेगा, तो ये सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है, यहाँ पर ले सकता है या इससे नीचे भी जाकर उसके बाद सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे भी चला गया तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर आप मान के चलो कि ये हमारा लेवल है, ये 196 है, ये टू कौन सा लेवल था, 206 था, ठीक है, और उसके बाद 217 है, ये सब सपोर्ट है। तो अभी यहाँ से ये अगर नीचे जा रहा है तो जब तक इसके ऊपर नहीं आता है तब तक हमारे लिए बाइंग नहीं है। या तो ये यहाँ से यू टर्न मारेगा या यहाँ से यू टर्न मारेगा, या पूरा यहाँ पर कॉल बाइंग से लेकर पुट बाइंग में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि LTP चेंज होता है तो ये सारा चीजें चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको देखना है, वेट करना है। तो यहाँ पर अभी के लिए तो जो पहला 5 मिनट के हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रहा है यही आ रहा है, तो यहाँ कहीं पर भी आता है तो बाई कर सकते हो। और जब तक ये 219 के ऊपर नहीं जाएगा, नया हाई कोई नहीं बनाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मिनिमम 5 मिनट अंदर सस्टेन करता है, हो सकता है कि और ऊपर का हम लेवल्स देख सकते हैं। जब तक ये नहीं करता है ऊपर का लेवल, हमारा एक्सपेक्टेशन अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि क्या हुआ है, आप देख सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ है। तो ये इसने लेट्स गो टू द यहाँ पर एक बार, ये देखिए ये मैंने आपको कॉल का वैल्यू डाला हुआ है और ये हमारा पहला 9:15 वाला कैंडल है जो बड़ा है। मैंने 5 मिनट वाला कैंडल यहाँ पर डाला है और पहला 5 मिनट वाला कैंडल आप देख सकते हो कि ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। तो आप देखो उसके बाद क्या हुआ है, ये जो आपका तीसरा वाला कैंडल है, तो ये वाला कैंडल आप देखो तो यहाँ पर जो लो बना है वो है 191 एंड उसके बाद क्लोजिंग हुआ है 196। इसके मतलब है ये जो सपोर्ट है 196 वाला, 196 वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, तो यहाँ पर बाइंग आ सकता है एंड ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। हम कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले तो हमारा 206 वाला लेवल है, ठीक है, 206 वाला पहला लेवल है, उसके बाद 217 है। 217 तो नहीं जाया है,
ये 216 के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हमको एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए सुबह सुबह एक्चुअली पूरा चेंज ही हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। हमको कब लेना है, हम एक्चुअली पहले 5 मिनट ले सकते हैं। देखिए जब तक ये कोई नया हाई नया हाई लो नहीं बनाएगा तब तक यही वैलिड रहेगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ही नया लो बन रहा है, तब तक एक्चुअली हमारा चेंज नहीं होता है, बट एलटीपी चेंज हो रहा है। तो एलटीपी के हिसाब से पहला 15 मिनट देखो, एलटीपी यहाँ पर है 196, और उसके बाद एलटीपी जो है हमको इसका भी देखना है, दूसरे का भी देखना है, जो पुट और कॉल है दोनों का देखना है। तो यहाँ पर 15 मिनट के कोई कास्ट हमारे कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। तो लेट मी सी, प्रोबेबली पहला 1 घंटे का देख लेते हैं। तो ये पहला 1 घंटा है, वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। बट पहला 1 घंटे के बाद यहाँ पर 203 हमारा लेवल है, और पुट का देख लेते हैं कि क्या लेवल आ रहा है पुट का। लेवल यहाँ ओके, यहाँ पर पुट देखिए, पुट में क्या हुआ है, ये हमारा पहला 5 मिनट वाला कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले 15 मिनट में वहां पर 203 है, यहाँ पर 147 है, मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर हाई लो सेम है, 47 हुआ है और ये 203 हुआ है, यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी चेंज हुआ है। ये अभी भी कॉल बाई ही बताएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 157 पर आ गया, ठीक है, ये 157 पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर पुट बाई भी हो गया, यहाँ पर देखते हैं कि कॉल बाय हटता है कि नहीं हटता है। ये कब हुआ है, ये हुआ है 10:45 को, 10:45 को देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, 10:45 यही एग्जैक्ट कैंडल है, और आप देखोगे तो यहाँ पर 191 पर आया है, ठीक है। यहाँ पर इसको 191 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कॉल बाय हट गया है और यहाँ पर पुट बाय हो गया है, और पुट बाय अभी हुआ है। तो अभी क्या है, ठीक है, पहले वाले हिस्से के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि ये जो ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप देखोगे तो हाई लो चेंज नहीं हुआ है, तो ये कैलकुलेशन कहीं पर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर पुट का बाइंग आना है तो इसको 150 के ऊपर जाना पड़ेगा, आप देखोगे तो 157 के ऊपर गया है ना, और यहाँ पर बाइंग के लिए 196 के ऊपर रहना है और ये 191 चला गया है। तो यह जब नीचे आता है और ये जो ऊपर जाता है तब पुट बाइंग आएगा, तो वैसे ही उल्टा आएगा। तो वो दोनों चीजें जब होगी साइमल्टेनियसली तब हमको ट्रेड लेना होता है। तो कभी कभी आपको मौका मिलता है, टाइम रहता है, कभी आपको टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज है तो आपको ये थोड़ा सा जल्दबाजी में कर लेता है। आप देखोगे उसके बाद अगर हमको एग्जिट करना है तो कब ये कहाँ पर एग्जिट करना है वो देख लेते हैं। तो अगर आप इसको भी देख लो, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर बाय आ गया ना, तो ये वाला जो बाय आ गया, तो यहाँ पर पहला टारगेट जो है 159 है, उसके बाद का टारगेट 171 है। अगर 173 सस्टेन करता है तो 176 179 देख सकते हैं, एंड अगर 181 सस्टेन करता है 184 187 ये देख सकते हैं। तो अभी हम एग्जिट कहाँ पर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जिट कहाँ पर आया है वो सारा चीजें एक एक करके देखेंगे। देखिए एंट्री यहाँ पर आ गया, एंट्री तो यहाँ पर आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया, ठीक है। अभी एक ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने का चांसेस ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है देख लीजिए क्या लेवल आया है, 189 हाई है, एंड क्लोजिंग भी 190 के आसपास हुआ है। तो हमारा टारगेट जो है आप देखोगे ये सारा अचीव हो गया, आप देख रहे हो ये हो गया ये हो गया। तो जब तक इसके ऊपर रहता है तो और नया लेवल निकल सकता है, अगर नहीं रहता है तो हो सकता है कि यहाँ पर देखिए ये जो येलो वाला लेवल है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस होता है,
तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपका लेवल आ गया, आप एक और काम भी कर सकते हो, या तो आप मल्टीपल ट्रेड में करते हो तो यहाँ पर एक आपका टारगेट आप फिक्स कर सकते हो। अगर ये 150 के नीचे है, आपको बाई करना है, तो जब तक ये 150 के ऊपर जाता नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। 150 के ऊपर निकलता है तब बाइंग आएगी, तब डे लो में आप स्टॉप लॉस लगा दो। और यहाँ पर 171 वाला टारगेट जो है, आप एक्चुअली टारगेट में डाल के रख सकते हो। एक बार आ गया तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, या 179 पर भी आप मल्टीपल लॉट में करते हो तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ कर सकते हो। और जनरली ये लास्ट वाला जो है, जनरली ये लास्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक मार्केट एक ट्रेंडिंग में नहीं जाता है। तो अभी के लिए बाइंग के लिए आप देखोगे, हमारा आज का फ्राइडे का रेंज है 150 से लेकर 187, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये हमारा रेंज है। अगर ये इसको बाइंग में रहना है तो उसके हिसाब से कहाँ पर आ रहा है, यहाँ कहीं पर है 150 के आसपास, एंड 209 के आसपास यहाँ पर है। जब तक ये रेंज टूटता नहीं है, अगर रेंज टूटता है तो नया रेंज आ सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर नया हाई बन चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कोई नया लो बना है क्या, 140, 138, 137, 137 शायद लो है, 138 है लो, और ये 191 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नया लेवल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, ये 138 हुआ है, 2 पॉइंट नीचे गया है इसके ऊपर, एंड यहाँ पर जो हाई बना है 191 तक गया है। आप देखोगे अभी के लिए जो नया लेवल बन जाएगा, देखिए जब तक ये 195 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमारा रेंज जो है 155 से लेकर 190 ये रेंज में शायद रहेगा, यही रेंज में रहेगा। डिप में अभी भी बाइंग रहेगा, अगर कुछ चेंज होता है तो ये इस दोनों को चेंज होना पड़ेगा, ये इसीलिए एलटीपी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर चेंज होता है तो वो चेंज भी हो सकता है, वो थोड़ा आपको जब एंट्री करने के पहले आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी चेंज होता है तो वहां पर कुछ चैलेंजेस हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए जब तक ये बाइंग में है तब तक ये बाइंग में ही है, हो सकता है कि साइडवेज चला जाए, और जब तक ये 195 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई नया हाई का उम्मीद नहीं है। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो 204 हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा, एंड उसके ऊपर अगर निकलना, यहाँ पर फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर और निकलना है तो 208 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हमारा नेक्स्ट लेवल जो है 218 है। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है, एंड अगर उसके भी ऊपर शायद निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता है, बट आपको एक अंदाजा आ जाता है। आप देखो इसके ऊपर नहीं निकला है, यहाँ तक नहीं निकला है, तब निकला है यहाँ पर, हमारा जो लेवल था 195 है, 195 जो है यहाँ पर निकला है, ठीक है, यहाँ कहीं पर निकला है 2 बजे के आसपास, एंड उसके बाद जो हाई बना है आप देखोगे 223 है, ठीक है, 223 आपका हाई बना है। आप देखो हमारा जो लेवल था 218 था, आप देख सकते हो प्रिसाइसली है। आप चाहे तो उस जगह पर डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत देखो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्ट होगा, जो भी है आप देखो इसके भी ऊपर गया है और 5 पॉइंट, बट आपने एग्जिट नहीं किया है तो फिर से वो नीचे भी आया है। तो इसीलिए ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली मार्केट अगर थोड़ा सा साइडवेज हो तो आप एग्जैक्टली निकल नहीं पाओगे, और जो प्रॉफिट बनाया है वो निकल जाता है। अब देखो उसके बाद फिर से पूरा का पूरा नीचे आ गया, सारा चीजें उसने ब्रेक कर लिया है। तो इसीलिए आपको ये सारा चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे इस समय पर यहाँ पर क्या हुआ है वो भी आप देख लेते हैं। तो अगर हमको ये यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर देखो दोनों चीज पर यहाँ पर चेंज कब हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 224 है हाई, तो लो तो चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये 224 बना है, ठीक है, ये 224 बना है, सॉरी ये नहीं, ये 224 बना है,
24 यहाँ पर बना है, ठीक है, और यहाँ पर भी चेंजेस हुआ होगा, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ये हमारा यहाँ पर हाई शायद यहाँ पर 201 बना है, ठीक है, यहाँ पर 217 ऑलरेडी हाई था, ये डे का हाई, इसको तोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये लो जो है आ गया 131 तक, तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं 131, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ से ऊपर जब निकल रहा है कहाँ पर बाइंग आ सकती है वो देखना पड़ेगा, शायद एक बार देख लेते हैं यहाँ पर बाइंग कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये 1 मिनट, ये जो है अभी के लिए बाइंग आएगा, तो देखिए 158 के ऊपर ही हमको बाइंग के बारे में सोचना है, जब इतना नीचे आ गया ना तब 158 के नीचे हमको सोचना है, एंड यहाँ पर इसको 165 के नीचे इसको जाना है, दोनों जब होगा तब ये साइमल्टेनियसली काम कर सकता है, हो सकता है कि 165 नहीं चला जाए, ये ऊपर है ना, तो ये 26, ये अभी के लिए क्या है 224 है ना, हो सकता है कि 192 के नीचे चला जाए, क्योंकि हम ये हायर एंड ऑफ द रेंज है, अगर 192 के पास भी जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी दिखता है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पर ये तो दिखाएगा, जब तक ये 165 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये नहीं दिखाएगा, बट फिर भी हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, तो यहाँ पर 156 के ऊपर जाना पड़ेगा, तो 156 के ऊपर तो यहाँ पर चला गया है ना, तो यहाँ पर 157 है, तो ये तो इसने तो इसका बाइंग का सिग्नल दे दिया, ये कब हुआ है 240 के आसपास, 240 के आसपास यहाँ पर भी देख लेते हैं, 240 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग जो आया है ये 181 पर आया है, मैं यहाँ पर ये दोनों लिख देता हूँ, 181 यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर जो है 157 आया है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में आप देखोगे कि पुट का बाइंग आ गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पुट का बाइंग कब आया है, ये 240 के आसपास आया है, 240 के आसपास जब आया है यहाँ से आप देख सकते हो कि पुट नीचे चला गया है उसके बाद, सॉरी 1 मिनट, ये पुट का अभी भी पुट का बाइंग ही है, ओके पुट तो नीचे आ गया ना, तो ये पुट का बाइंग अभी भी है, क्योंकि ये 160 के यहाँ पर तो देखिए कॉल का बाई अभी यहाँ पर निकला नहीं है, तो कॉल का बाइंग कब आएगा, शायद ये 165 के नीचे आने के बाद आएगा, तो इसको थोड़ा मैं एलटीपी को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर उसका अगला वाला कैंडल देख लेते हैं, 245 पर ये 161 था, ठीक है, वो 161 है एंड यहाँ पर हम देख लेंगे कि पुट में क्या हुआ है, सॉरी कॉल में क्या हुआ है, 245 पर, 245 पर 177 है, ठीक है, ये इसको 177 में कर देता हूँ, आप देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कि कॉल बाई आपको करना है, तो कॉल बाई क्या है, क्यों होना है, क्योंकि यहाँ पर ये बाइंग में आ चुका है और ये सेल में आ चुका है, ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली जब काम करता है तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, देखिए ये प्रॉब्लम क्या है ना, हमको इमीडिएटली ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये सारा जो लॉजिक है बहुत पावरफुली जो काम करता है इसको मैंने अपने आल्गो में इसको इंप्लीमेंट किया है एंड बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, तो इसका मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को लाइव डेमो भी बहुत बार पहले मैंने दिया हुआ था, उसका थोड़ा सा और हमको काम करना था इसलिए इतना इसको कमर्शियली हमने इतने सबको नहीं दिया था, बहुत लिमिटेड लोगों के पास था, अभी ये देखिए ये क्या होता है, जब भी यहाँ पर हमारा कंडीशन मीट होता है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है बाई को और ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा सेल को भी, और एग्जिट भी जब करना है तो एग्जिट कर लेगा, ट्रेल भी कर लेगा, सारा चीजें कर लेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैन्युअली काम करना पड़ेगा इन द कैलकुलेटर एंड यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वहां पर ऑटोमेटेड हो जाता है, बट आपको इसके लिए या तो लैपटॉप होना इम्पोर्टेंट है
और वहां पर ये सॉफ्टवेयर को रन करना इम्पोर्टेंट है, तब ये काम करता है, वरना ये मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। और मैन्युअली ये जब LTP चेंज होता है तब ये काम करता है। इसको यूज करने के लिए आपको वो वही समझना है कि देखो यहाँ पर क्या बताया है, बाइक कब कर सकते हो, 165 के ऊपर कर सकते हो, तो स्टॉप लॉस क्या लगाना पड़ेगा, 138 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। ये जो भी नीचे वाला सीन है ये ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। ऑप्शन बायर जो भी है आप ये वाला चीज देखो, ऑप्शन सेलर आप ये वाला चीज देखो। आपको कॉल सेल करना है तो ये वाला देखो, 190 के नीचे रहता है तो आप सेल कर सकते हो, 217 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सारा चीज होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो भी कैलकुलेटर लेते हैं ना उनके लिए इसका मदद हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, आपको ये लेना है, तो नीचे कमेंट में मेरा नंबर है, वहां पर मुझे कांटेक्ट करिए, वरना आप डायरेक्टली वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो भी ट्रायल होगा ये खाली यहीं पर होगा, जो भी वो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उनको हम एक ये 1 वीक एक्स्ट्रा हम बफर टाइम भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको उसको समझने के लिए यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसीलिए आपको हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। और हम बोलते भी है आपको 1 हफ्ता आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद रियल ट्रेड करो, जल्दबाजी में रियल ट्रेड करना मत करो, क्योंकि बेवजह आप एक्चुअली नुकसान कर सकते हो, तो उसको यूज करना आना चाहिए, तो इसीलिए ये सारा चीजें करते हैं। तो होपफुली आपको इससे मदद मिल रही है दोस्तों। अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपका वीकेंड शुभदायक हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।